हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सभी रेडी होंगे केवीएस इंटरव्यू के लिए भी। और मैं आपको सबसे खास खबर यहां की मैं एक बार आप सभी के सामने यहां पर बता देती हूं। केवीएस इंटरव्यू के टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपके केंद्रीय विद्यालय संगठन की वेबसाइट पर आ चुकी है। यहाँ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट्स आपको दिया हुआ है। एक बार मैं आपको इसको डिटेल में थोड़ा सा बता देती हूँ कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आपको लेकर जाना है। पहला है, अगर आप ओबीसी से हैं तो आपका ओबीसी सर्टिफिकेट फॉर्मेट आपके पास में ये यहाँ पर उन्होंने पूरा दिया हुआ है, इसको आपको लेकर जाना है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जो सिग्नेचर वगैरह जो भी होंगे वो सब आपके रहेंगे, यहाँ पर डेट रहेगी, ये सारी चीजें इंफॉर्मेशन इन्होंने आपको दी हुई है। दूसरा, आपके यहाँ पर जो आप शेड्यूल कास्ट से हैं मतलब एससी या फिर आप एसटी से आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट वो आपके पास में होना चाहिए, उसे आपको लेकर जाना है। तीसरा डॉक्यूमेंट जो हमारे पास में है वो आपके पास में, जैसे कि आपका जो इनकम का जो सर्टिफिकेट होता है, इनकम सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना है अगर आपका बना हुआ है तो। अगर आप किसी कैटेगरी से आते हैं, नॉर्मली आपके पास में जो ओबीसी से होंगे उनके पास में ओबीसी सर्टिफिकेट होगा, एससी वालों के पास में एससी सर्टिफिकेट आपका होगा, एसटी सर्टिफिकेट होगा, आपके पास में इनकम सर्टिफिकेट आपके पास में होगा। उसके बाद आपके पास में होना चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट, जो पीडब्ल्यूडी वाले हैं उनके लिए है, उनके पास में उनका अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास में यहाँ पर है कि आपके पास में आपको पता है ना, नो ऑब्जेक्शन सर्विस, ये सर्टिफिकेट एक होता है कि हम कहीं पर सर्विस में नहीं है या कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, वो एक सर्टिफिकेट होता है, वो आपके पास में होना चाहिए। और सबसे खास जो आप सबके पास में होना चाहिए, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल से, ओबीसी से, एससी से, इसके साथ में पूरा बायोडाटा का फॉर्मेट, आप किस पोस्ट के लिए है, रोल नंबर क्या है, किस कैटेगरी से है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, फादर या हस्बैंड नेम जो भी रहेगा, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और उसके बाद आपकी एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जो आपके पास में होना चाहिए, इनको शुरू करना है लेवल टू से, यानी कि प्लस टू से, 12th क्लास के बाद से आपको इनको लगाना है। आपको यहाँ पर देना है एग्जामिनेशन, फिर आपकी डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, यानी कि आपको 12th, उसके बाद में जो आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, आपके पास में कोई सर्टिफिकेट है, आपको यहाँ पर उसकी पूरी जानकारी फिल करनी है। ईयर ऑफ पासिंग क्या है वो फिल करना है, आपने टोटल कितने नंबर हैं जो आपको मिले हैं, कितने में से कितने आए हैं वो टोटल आपको यहाँ पर, फिर परसेंटेज डालना है, और जो जो सर्टिफिकेट की डिटेल यहाँ होगी वो सर्टिफिकेट, वो डिग्री, वो रिजल्ट आपके पास में जब आप इंटरव्यू के लिए जाएं वो वहां पर होना भी चाहिए। आपका सब्जेक्ट क्या, आपके सब्जेक्ट है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स कितने समय का रहा है आपका, बोर्ड और यूनिवर्सिटी, ये सभी चीजें आपके पास में अवेलेबल होनी जरूरी है। फिर आपका सिग्नेचर और आपका नाम, आपका डेट, आपका प्लेस, ये सारी चीजें आपके पास में कंप्लीट होनी चाहिए। तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे जैसे आपकी डेट आएगी आपको पता चलता रहेगा, आपकी डेट है डिक्लेयर होना शुरू हो चुका है, तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट रखिए, समय से आपके पास में सभी चीजें होनी चाहिए। एक फाइल बना लीजिए और उस फाइल के अंदर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को एक एक करके क्रम से लगाकर रख लीजिए। तो आज की जानकारी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली न्यूज के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।